खबर झारखंड से है, जहां रांची के मॉल में कांवड़ियों की एंट्री ना होने पर बवाल मच गया है। रांची के राधू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में कांवड़ियों को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो बिना चप्पल के पहुंचे थे। गार्ड ने कांवड़ियों से कहा प्रोटोकॉल की वजह से वो मॉल में नहीं जाने दे रहे। क्या बोला इन लोग आपको? खाली पैर मतलब जाना नहीं है, नहीं है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बवाल मचने के बाद अब मॉल के जनरल मैनेजर ने माफी भी मांगी है। इस मामले पर झारखंड की सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, मॉल की रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मॉल के संचालक और प्रबंधकों पर कार्रवाई करे। खाली पैर मतलब जाना नहीं है, देखिए ये बिल्कुल दुखद घटना है और हमें यह लगता है कि बांग्लादेश और घुसपैठ पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक खामोश क्यों है। मॉल ऑफ रांची का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। इस सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को खाली पैर का बहाना दे करके अगर किसी मॉल में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है तो हमें लगता है कि वह मॉल भी कहलाने का हकदार नहीं है। उस मॉल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, ये हम मुख्यमंत्री से मांग भी करते हैं। देखिए मॉल ऑफ रांची में जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं हम इसे, क्योंकि अगर आप कांवरियों को एंट्री देने से इनकार कर रहे हैं अपने मॉल में इस ये कहकर कि आपने चप्पल नहीं पहना है और आपकी वेशभूषा ठीक नहीं है, तो ये तमाम शिव भक्तों का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। और हम अविलंब मांग करते हैं झारखंड पुलिस से, झारखंड सरकार से, कि मॉल ऑफ रांची के संचालकों और प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज करें और इन्हें अविलंब बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।